हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू फूड रेसिपी वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ एग रोल्स की रेसिपी, डबल एग रोल्स जो कि हम मार्केट से लेते हैं। आप इसको इजीली घर पे भी बना सकते हैं और बहुत टेस्टी एग रोल्स, पूरी आपकी होम रेसिपी रहेगी तो खाने में भी मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। सो चलिए अब तैयार करते हैं। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सबसे पहले हम इस पे लेंगे लहसुन, टमाटर, अंडे और प्याज कटा हुआ एंड चीज़ स्लाइस, और खीरा भी हम काट के रख लेंगे। और ये रहा मैदा। अगर आप बिगनर हैं ना तो आप मैदे में थोड़ा सा आटा मिक्स कर सकते हैं या आटे के रोल भी आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले मैदे का आटा गूंदना है, और इसको गूंथने के लिए आपको इसमें पानी ना थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, और जितना आप इसे गूंदो थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाता है मैदा गूंदने से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरा मैदा गूंथ के हो गया था तैयार। मैंने जो ये सारा सामान लिया है ये सिर्फ दो एग रोल्स के लिए लिया पड़ा है, क्योंकि मैंने दो ही एग रोल बनाए थे। तो आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेंगे। तो आप जैसे हमने जो भी लहसुन प्याज ये लिया था, हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है, अच्छे से घी या ऑयल एज़ पर योर प्रेफरेंस आप इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा अचारी मसाला, जो अचार का मसाला तो सबके घर पे होता है, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इससे आप कलर देख लीजिए कितना सुंदर है, थोड़ा चटपटा सा भी हो जाता है। और जो हमने टमाटर काटे थे वो भी आपको इसमें फ्राई करने के लिए डाल देना है। इसमें आपको हाफ स्पून नमक, थोड़ी हल्दी, हाफ स्पून हल्दी, और हाफ स्पून आप इसमें पिसा हुआ धनिया और मिर्च आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साइड बाय साइड आप एग भी पूरा फोड़ के आपको एग में भी मसाले डालने, मतलब नमक डालना है, इसलिए उसको आपको वहाँ पे नमक कम रखना है। और चीज़ स्लाइस आप डालेंगे तो उस पर भी नमक होता है, तो इसलिए नमक आप कम रखिएगा। ये फेंट के मेरा तैयार हो गया था, अब बनने की तैयारी हो गई थी रोटी की। तो जो मैदे की रोटी होती है इसमें आपको नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा रखना है, तो इसीलिए मैं कह रही थी जो बिगनर्स हैं वो आप लोग इसमें थोड़ा आटा मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये आपको बेलने में इजी पड़ेगा। अगर आप मैदे को बेलते हो, मैदे का शेप इतनी इजीली बनता नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें आटा मिक्स कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा आपको नॉर्मल साइज़ से बड़ा रखना है, तो उस चीज़ का आप प्लीज़ से ध्यान रखिएगा। और जब आप इसे बेलेंगे तो ये रोटी आपको पतली करनी है, क्योंकि मैदा बहुत इजीली पकता नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ मैदा इजीली नहीं पकता है, तो इसलिए आपको मैदे का जो ये लेयर है वो थोड़ा सा पतला रखना है, ताकि आप इसे अच्छे से पका लो। अब ये आपको नॉर्मल तवे में रोटी की तरह पकाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक साइड ना इसकी बहुत अच्छे से पका लेनी है, उसको कच्चा नहीं रखना है बिल्कुल भी। एक साइड हल्का कच्चा हो चलेगा, मतलब क्योंकि वो उसको आप ऑयल में पकाओगे, अभी आप देख लोगे। फिर आपने तवे में डालना है घी दोबारा से, जबकि वो रोटी एक साइड पक जाए। आपको नॉर्मल जो अंडा आपने फेंटा हुआ है, इस अंडे में भी आपने नमक मिक्स करना है, अदरवाइज़ नमक का टेस्ट नहीं आता अंडे में। और थोड़ा बहुत आप मिर्च इसमें मिक्स कर सकते हो एज़ पर योर प्रेफरेंस। अब हमने ये अंडे के ऊपर आपको रोटी, पहले अंडे को थोड़ी देर पकने देना है, उसके बाद आपने जो रोटी बेली थी वो रखनी है, और इसके बीचों बीच आपको चीज़ स्लाइस रखनी है, ठीक है। ज़्यादा देर, लेकिन जब आपका ये अंडा पक जाएगा आपको ज़्यादा देर तवे पे इसको नहीं रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये खुद ही गर्म रहता है, तो ये खुद ही मेल्ट हो जाता है। जो हमने मसाला तैयार करा था आपको डालना है, एंड खीरा जो आपको डालना है वो कच्चा खीरा इसमें डालना है, क्योंकि पका के खीरा थोड़ा अजीब सा टेस्ट रहता है। ये मेरे रोल्स बन के हो गए हैं तैयार। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई फूड रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।